ठीक है सर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत प्रेस का कुछ अपन प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल इसमें इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, इसकी रिपेयरिंग कैसे होती, कौन कौन सा इसमें भाग होता है, क्या क्या इसमें लगा होता है, यह है विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, काम क्या है इसका, क्या काम है प्रेस का, कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। कपड़ों पर प्रेस क्यों की जाती है, कपड़े की लाइफ बढ़ाने के लिए, कपड़े की लाइफ बढ़ाने के लिए। अब ये है प्रेस, प्रेस के कुछ भाग होते हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं सोल प्लेट, नीचे वाली को क्या बोलते हैं, सोल प्लेट, और इसके ऊपर एक प्लेट और आती है, वो खोल के दिखाएंगे, उसको बोलते हैं अपने प्रेशर प्लेट। क्या बोलते हैं, प्रेशर प्लेट। ये होता है इसका हैंडल, ये होता है इसका थर्मोस्टेट स्विच, और ये होती है इसकी लीड, सप्लाई लीड। ठीक है, एक होता है इसमें नियोन लैंप, जिसको अपने इंडिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका ये है लीड, लीड में लगा हुआ है प्लग टॉप, प्लग टॉप में तीन पिन है, ऊपर वाली पिन अर्थ की है और नीचे वाली पिन दोनों फेज और न्यूट्रल की। प्रत्येक वैद्युतिक उपकरण को हमेशा अर्थ करना चाहिए आप, ठीक है, अर्थिंग पिन वाली प्लग टॉप लगानी है हमेशा। अब इसमें कुछ भाग होते हैं इसके, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी टेस्टिंग करना बताएंगे, सही है खराब है या क्या प्रॉब्लम इसमें, वो देन टेस्टर। अगर कोई प्रेस खराब हो जाती है तो उसकी बाहर से आपको टेस्टिंग कैसे करनी, आपको सीरीज टेस्ट लैंप लेना है या मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी आ जाएगी और सीरीज टेस्ट लैंप से। अब इसमें तीन टर्मिनल लगे हुए हैं बाहर, सप्लाई के तीन टर्मिनल है, फेज न्यूट्रल और अर्थ। अब इसमें जो ये बीच वाला पॉइंट है ये है अर्थ का, अर्थ के साथ नहीं जलना चाहिए, न्यूट्रल के साथ ये लैंप जलना चाहिए। जल गया, इसमें कंटिन्यूटी देखनी है, इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा है, अगर वो सही है तो कंटिन्यूटी आ जाएगी, सही नहीं है तो वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। फेज और न्यूट्रल के मध्य कंटिन्यूटी, फेज और अर्थ के मध्य कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो इसमें फेज और न्यूट्रल, जिसके बीच कंटिन्यूटी आ रही है वो क्या है, फेज और न्यूट्रल। अब आपको अगर इसका थर्मोस्टेट स्विच की टेस्टिंग करनी है तो ये लगा लेना सीरीज टेस्ट लैंप, और थर्मोस्टेट स्विच को क्या करना, आपको घुमाना है, एक कंडीशन ये आएगी कि ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका थर्मोस्टेट स्विच काम नहीं कर रहा है। ठीक है, घुमा के देख लिया, अब इसका थर्मोस्टेट स्विच की जांच करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इसको अपन खोलते हैं, हाँ इंडिकेटर नियोन लैंप लगा होता है इसमें ना, और ये हो गया थर्मोस्टेट स्विच, ये आ गई इसके ऊपर प्रेशर प्लेट, एक होता है इसमें हीटिंग एलिमेंट, अर्थ का इसकी बॉडी से कनेक्ट रहता है, देखो ये तो इसका हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट की आपको टेस्टिंग करनी, हीटिंग एलिमेंट एक तो ये वायर है हीटिंग एलिमेंट का और एक ये, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये सही है। अब ये तो अपन लगा रहे हैं इसमें पैरेलल में, अब ये जो नियोन लैंप है ये कहाँ लगना चाहिए, इस ये जो थर्मोस्टेट स्विच है इसके सीरीज में, तब ये
थर्मोस्टेट स्विच ऑफ होगा तो ये लैंप भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। अब इसमें थर्मोस्टेट स्विच एक तो देना आपको एक टर्मिनल पर, किसी भी एक टर्मिनल पर। अब ये मान लेते हैं अपन यहाँ है, एक में दे दिया, एक देते हैं यहाँ। अब थर्मोस्टेट स्विच को अपन घुमाएंगे, एक बार पकड़ो इसको, तो क्या होगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ये एक कंडीशन में, हो गया। और इसको अपन अब ऑफ कर देते हैं, तब ये टच होगा, तब ये इंडिकेटर भी जलेगा, इंडिकेटर जलेगा, इंडिकेट कर देगा कि इसमें ये प्रेस गर्म हो रही। ठीक है, ये अपना टेम्परेचर थर्मोस्टेट पर जितना टेम्परेचर अपन सेट करेंगे, टेम्परेचर उतना पहुंचते ही ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसमें एक पत्ती लगी होती है, वो पत्ती गर्म होके क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। ठीक है, वापस प्रेस उस अवस्था से अगर टेम्परेचर कम होता है, होते ही वो क्या पत्ती वापस टच हो जाती है। तो आपको इसका वायर कहाँ कहाँ लगाना है, एक तो डायरेक्ट देना आपको न्यूट्रल, तो फेज कहाँ देना है, थर्मोस्टेट स्विच में, थर्मोस्टेट स्विच से निकलता है और दूसरे हीटिंग एलिमेंट के दूसरे टर्मिनल में चला जाता है। ठीक है, और एक है इसमें अर्थ का, अर्थ इसकी प्लेट पे आपको अर्थ से कनेक्ट करना है कि कोई भी लीकेज करंट अगर प्रेस में आता है तो अपना हाथ इसको टच होते ही अपने को झटका ना लगे। ये तो थर्मोस्टेट स्विच है, ये इंडिकेटर है, ये इसका फेज वायर हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और ये होती है इसकी प्रेशर प्लेट। ठीक है, इस सोल प्लेट को दबा कर रखती है। ठीक है, ये हो गया इसका हैंडल। ठीक है, अब कर देते हैं इसको असेंबल और फिर इसको अपन चला के देखते हैं। अब ये प्रेस अपनी असेंबल हो गई है, इसका थर्मोस्टेट स्विच वो पत्ती इसमें टच नहीं हो रही थी उसको अपन ने सही कर दिया। अब इसको अपन लगाते हैं सप्लाई में, सप्लाई में लगाएंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे, इंडिकेटर जलने लग गया और ये प्रेस गर्म होने लग गई। अब इसका निर्धारित जितना टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर पर आप सेट कर रहे हो, उस हिसाब से ये क्या होगी, गर्म होते ही ये इंडिकेटर ऑफ हो जाए। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक सर्किट बना देता हूँ इसका कनेक्शन का, उस हिसाब से आपको इसका कनेक्शन करना है और टेस्टिंग करना है। प्रैक्टिकल है अपना विद्युत प्रेस का कनेक्शन। विद्युत प्रेस में ये सोल प्लेट होती है, ठीक है, ठीक है, ये सोल प्लेट हो गई, इसमें लगा होता है हीटिंग एलिमेंट, ये होता है इसका हीटिंग एलिमेंट। एक लगता है इसमें थर्मोस्टेट स्विच, थर्मोस्टेट स्विच के अंदर एक बायोमेट्रिक पत्ती होती है, बाई मेटल पत्ती। अब इसके अंदर एक तो लगाना आपको नियोन लैंप, ये नियोन लैंप लगा दिया, नियोन लैंप से दो वायर निकलते हैं। अब आपके पास एक तो होना चाहिए फेज और एक होना चाहिए न्यूट्रल और एक होना चाहिए अर्थ। ठीक है, अर्थ को इसकी बॉडी से कहीं से भी टच कर दो आप, इसकी बॉडी को अपने यहां से कनेक्ट कर दें, लीकेज करंट तो जाएगा उसमें। न्यूट्रल उठाना है और डायरेक्ट आपको इसके हीटिंग एलिमेंट में दे देना है, ये हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, इसमें न्यूट्रल गया। अब फेज कहाँ देना आपको, फेज आपको देना है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट स्विच के, एक तो ये थर्मोस्टेट स्विच का यहां से निकलेगा, थर्मोस्टेट स्विच आ गया सीरीज में, और थर्मोस्टेट स्विच से निकल के कहाँ गया, एलिमेंट। ठीक है, ये देना आपको इसके थर्मोस्टेट स्विच में, थर्मोस्टेट स्विच के साथ इस नियोन लैंप को भी जोड़ देना है और इसको
फेज को भी जोड़ देना। ठीक है, सप्लाई कहाँ जाएगी? थर्मोस्टेट स्विच में, थर्मोस्टेट स्विच से जाएगी एलिमेंट के पास। ठीक है, अब थर्मोस्टेट स्विच बीच में ट्रिप हो जाएगा तो ये नियॉन लैंप भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नियॉन लैंप को एक तो देना न्यूट्रल और एक देना थर्मोस्टेट से सप्लाई, फेज सप्लाई। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका कनेक्शन करना है। टेस्टिंग भी इस प्रकार करनी है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर टेस्ट लैंप लगाओ, अगर लैंप जल रहा है तो अपना ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये सही है, और एक लगाओ आप इसके जो थर्मोस्टेट स्विच है इसके साथ, थर्मोस्टेट स्विच को घुमाओगे तो लैंप जलेगा अगर सही होगा तो, और सही नहीं होगा, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो नहीं जलेगा। तो इस प्रकार आपको टेस्टिंग करनी है और कनेक्शन करना है।